आसान है इस पूरे मामले में डिफेंस तैयार करना। जो बातें अभी आप सामने देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी शक की सुई रिया चक्रवर्ती के ऊपर है और मोटिव भी उन्हीं के ऊपर एस्क्राइब किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपको आज रिया चक्रवर्ती का बचाव करना पड़े और जो तमाम जानकारी आपके सामने है, आपका सबसे बड़ा लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता, कैसे आप बचाते उनको? जितनी मटेरियल सामने आई है, जितने बयान सामने आए हैं जी, कहीं भी कोई भी बयान जो है ना तो आत्महत्या से रिलेटेड है ना हत्या से रिलेटेड है। सारे बयान जो है सिर्फ रुपये पैसे से रिलेटेड है। जो भी बयान आ रहे हैं, चाहे परिवार के आ रहे हो, बाहर वालों के आ रहे हो, किसी के भी आ रहे हो जी, अगर सिर्फ बयान रुपये पैसे से रिलेटेड है तो हमें इसका टोटल इन्वेस्टिगेशन का दायरा, हमारी फाइट जो होगी वो लिमिटेड वहां तक होगी। और जहां तक रुपये पैसे का सवाल है, आप खुद ही बोलते हैं, सारे बयान ये बोलते हैं कि वो कोई डिप्रेशन में नहीं थे, बहुत सही थे, वो कभी ऐसा कर नहीं सकते कि आत्महत्या कर ले। तो इसका मतलब वो फुल सेंस में थे। और अगर फुल सेंस में उन्होंने किसी लड़की पे खर्चा किया है या किसी लड़की को पैसा निकालने की इजाजत दी है या उसके लिए कुछ फ्लैट लेके दिया है, तो उसके अंदर गुनाह क्या है? उस लड़की ने क्या गलती की है? अगर आप किसी के साथ, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं अदर वे जाऊंगा कि उस लड़की ने अपना जीवन दे, एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत होती है, वो आपके यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में आके रह गई, उसने तो अपनी लाइफ आपको दे दी और उसके एवज में अगर आपने कुछ खर्चा किया उसपे जी, कुछ तो यानी आपके हिसाब से आपके पास लाइन ऑफ डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर जरा एक छोटा सा जवाब ललित जी से लें। ललित जी, लेकिन अगर सुशांत के वकील के तौर पर इस मामले को आप प्रस्तुत कर रहे होते तो आपके लिए सबसे बड़ा लाइन ऑफ ऑफेंस क्या होता? देखा जाए, मैं अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से लाचार हूं जी। ये केस की अनुसंधान चल रही है। निगम साहब जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं। इस अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय को पढ़िए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सुशांत सिंह वाज ए टैलेंट एक्टर, ही डाइड मच बिफोर ही कुड हैव गिवन टू दिस फिल्म वर्ल्ड एंड ऑल द वेलविशर रिलेटिव्स एंड एडमायरर्स आर विलिंगली वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो दैट दिस various speculation floating in the air can come to rest and for that the Supreme Court said an impartial, fair, transparent investigation is the need of the hour. Therefore, Abhito and the people of this country have always reposed full confidence and faith in the investigation by CBI. Therefore, the Supreme Court has given. So, अब मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई कर रही है, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। और ये आज के दिन इस पर कुछ टिप्पणी करना, ये तो मेरे समझ से हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं कल क्या होने वाला है, लेकिन ट्रेलर के आधार पर ही पूरी फिल्म का निष्कर्ष भी कई बार निकलता है। मैं जानता हूं कि इस में बहुत जल्दबाजी भी शायद हो सकती है कि हो रही हो, लेकिन ये फिल्म शायद इतनी दिलचस्प हो गई है क्योंकि इसमें कई सारे एंगल आ चुके हैं और ट्रेलर बहुत महत्वपूर्ण हो गया हम सब लोग के लिए। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जांच को लेकर, इस पूरे मामले की जांच को लेकर पल पल की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।